मेघवाल साहब, आपका डिपार्टमेंट अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुँच किस तरह से राहत पहुंचा रहा है? क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और उनकी पेंशन भी लगातार प्रयास कर रही है सरकार उनके खाते में डालने की। किस तरह से उनको राहत दे रही है लॉकडाउन के बीच में? अंदर करीब करीब 78,85,000 वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन मार्च में डाली। जब खातों में उनके चली गई तो अप्रैल का महीना आया और अप्रैल के महीने में हमने 10 अप्रैल से पहले पहले पुनः 750 रुपये, 1,000 रुपये, 1,250 या 1,500 रुपये, ये पेंशन अलग अलग कैटेगरी के हैं जो किसी योजना में नहीं है, न खाद्य सुरक्षा में है न पेंशनधारी में है। उन लोगों का हमने सर्वे करा लिया और उनमें से करीब करीब 1.5 लाख ऐसे व्यक्तियों का नकदी पैसा हमने कलेक्टरों को दे दिया। राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अब तक कोई मदद नहीं करी। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी रोज बोलते हैं, आज का अखबार, आज तारीख हो गई 4, आज 4 तारीख अखबार में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 3 तारीख को प्रेस के सामने बोला है, राजस्थान की पूरी प्रेस ने उनसे सवाल किया है कि आपको देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या एक्स्ट्रा राहत दी है। एक्स्ट्रा राहत मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हमारे पास जो पैसा आता है मार्च के अंदर, आज की तारीख में 10,000 करोड़ रुपए का घाटा आ गया, फिर भी हम राजस्थान में गरीबों को हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। देश के गृह मंत्रालय के पालन किए हमने पूरे प्रदेश के अंदर। आपकी जानकारी लिए कहना चाहूंगा कि भीलवाड़ा मॉडल को लागू किया है, ठीक है थोड़ा सा हमारे रामगंज के अंदर कंजेस्टेड गली है, एक एक घर में 30-40 आदमी रहते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि वो हो नहीं सकता क्योंकि टच उनको कम से कम 1 मीटर दूर आपको, से। आपको क्या लगता है कब तक जयपुर में हालात सुधरेंगे और जोधपुर में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं? देखिए चिंता का विषय जोधपुर है, जयपुर अब चिंता का विषय नहीं रहा। जयपुर के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आने वाली 17 तारीख, 17 तारीख है, ये मॉडिफाइड लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन नहीं है बल्कि मॉडिफाइड लॉकडाउन है। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को 17 तारीख पहले बिल्कुल कहीं भी 1% छूट नहीं देनी चाहिए। सिटी के अंदर एक आदमी आ गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा राजस्थान के हर गली के, हर मोहल्ले के, हर शहर के, हर डाणी और गांव के हर व्यक्ति से अपील करना चाहूँगा कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को क्वारंटाइन करा दें 14 दिन। राज्य सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो संक्रमित इलाके हैं उन्हें ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में बदला जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार से राजस्थान को अब तक राहत नहीं मिल पाई है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।